वही अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से आ रही है, जहां जिला अस्पताल में चल रही लापरवाही के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक सप्ताह में दो गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद सुर्खियों में आए जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बुधवार रात को औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने काफी नाराजगी जताई। वही कलेक्टर ने जिला अस्पताल के सर्जिकल, पुरुष मेडिकल, महिला शिशु वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। बता दें कलेक्टर ने गुरुवार को एक बार फिर अस्पताल का जायजा लेकर निरीक्षण किया। वही कुल मिलाकर 24 घंटे में कलेक्टर के निरीक्षण से जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिला। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर ने परिसर के बाहर सड़क का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने नगरपालिका और राजस्व अमले को कल तक सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण ना हो इसका ध्यान रखा जाए। देखिए यहाँ का बदला हुआ नजारा आप लोगों को भी नजर आ रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो हम लोगों ने यहाँ एक सख्ती करी है कि एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए मरीज के स्वास्थ्य की चिंता करना अस्पताल प्रशासन का काम है। खूब सारी बातें तय होती हैं, मरीज का स्वास्थ्य तय होता है, अस्पताल का स्वच्छता तय होती है, अस्पताल की फूड क्वालिटी तय होती है और एक अच्छा प्रबंधन मिलता है। तो आज देखा है हम लोगों ने कल के अपेक्षा आज देखा है कि बहुत साफ सफाई है, बहुत व्यवस्था है। मरीज से बात करी, सारे मरीज प्रसन्न हैं अंदर, तो वो इस बात के लिए CMHO साहब वाकई में प्रशंसा के पात्र है। लेकिन अस्पताल प्रशासन को हमने ये बोला है कि इस व्यवस्था को लगातार बना के रखें, एक अच्छा माहौल बनाए और लोगों को अनुरोध करें कि वो अपने घर जाएं, मिलने का जो समय है वहाँ पे आके मिले और बाकी अपने घर पे रहें, अपने मरीज को जो उनका परिवार का सदस्य है उसको आराम करने दें। यहाँ पे वो आराम करने के लिए आया है, इलाज करने के लिए आया है, लोगों से बात करके परेशान होने नहीं आया है।